संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की एक और चाल नाकाम हो गई है। पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद में दो भारतीयों को आतंकी घोषित करने वाला प्रस्ताव पेश किया था, जिसे सिक्योरिटी ऑफ काउंसिल ने खारिज कर दिया है। वहीं इस साल ये दूसरा मौका है जब पाकिस्तान ने इस तरह की हरकत की है। दोनों बार दो दो भारतीयों को आतंकी घोषित कराने की कोशिश और दोनों ही बार उसे नाकामी हाथ लगी। वहीं पाकिस्तान की इस हरकत में चीन ने हर बार उसका पूरा साथ दिया है, लेकिन दोनों ही साजिश को भारत ने असफल कर दिया। पाकिस्तान ने नाकाम कोशिश करने की का प्रयत्न किया, जिसमें वो दो हिंदुस्तानियों को 1267 सैंक्शन कमेटी लिस्ट में नामकरण करना चाहता था, जिसका अपोज किया यूएसए ने, यूके ने, फ्रांस और जर्मनी ने। पूरा देश कृतज्ञ है इन चारों देशों का और उनको धन्यवाद बोलता है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक कमेटी है जिसे 1267 कमेटी कहा जाता है। ये आतंकी गतिविधियों में शामिल किसी भी देश के नागरिकों को प्रतिबंधित सूची में रख सकती है और इनकी जांच भी करती है। फिर इन पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं, इनमें ट्रैवल बैन और अकाउंट फ्रीज करना शामिल है। पाकिस्तान ने दो भारतीयों अंगारा अपाजी और गोविंद पटनायक को आतंकी घोषित करने के लिए प्रस्ताव पेश किया था। वहीं सुरक्षा परिषद में शामिल अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और बेल्जियम ने पाकिस्तान का ये प्रस्ताव खारिज करते हुए इस पर आगे की कार्रवाई भी रोक दी है। वहीं यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा है, पाकिस्तान 1267 कमेटी का इस्तेमाल अपनी सियासत के लिए करना चाहता है। वो इसे मजहबी रंग देना चाहता है, लेकिन काउंसिल ने उसकी चाल कामयाब नहीं होने दी। हम इसके लिए इन सदस्यों के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान ने इससे पहले जनवरी में दो भारतीय नागरिकों को अजॉय मिस्ट्री और वेन्यू माधव डोंगरा की गतिविधियों को संदिग्ध बताते हुए इन्हें आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन तब भी ये चाल उल्टी साबित हुई थी। भारत ने सुरक्षा परिषद में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के फाउंडर मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश किए और साबित कर दिया कि वो भारत में आतंकी हमले करवाने के साजिश में शामिल है। वहीं इसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल ने जैश सरगना को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया था। पाकिस्तान अब भारत से इसी का बदला लेने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।